मूसलाधार बारिश में पूरे मुंबई को बेहाल कर दिया है। इसके चलते 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बारिश और रेस्क्यू ऑपरेशन के चलते 31 अगस्त और 1 सितंबर के लिए 6 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। वहीं राज्य सरकार ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मुंबई में भारी बारिश में शहर अस्त व्यस्त बना हुआ है। मंगलवार को 9 घंटे में 12 इंच यानी 1 फीट बारिश हुई थी। बुधवार को भी वर्षा का दौर जारी रहा। बारिश के चलते 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा एक डॉक्टर लापता है जो अपनी कार पानी में भरी सड़क पर छोड़कर घर के लिए निकल गए थे। मौसम विभाग ने मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में अगले 48 घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावना दी है। बुधवार को यहाँ के स्कूल कॉलेजों की छुट्टी रही। यातायात के साधन ठप होने की वजह से कई स्थानीय रेलवे स्टेशन पर यात्री फंसे हुए हैं। मुंबई के कई इलाकों में नेवी के जवानों ने लोगों को ब्रेकफास्ट बांटा। हालांकि मुंबई में 2005 जैसे हालात बनने से बच गए। इसकी वजह 12 साल पहले मिली सीख थी। उस वक्त की कमियों से सबक लेते हुए राहत के उपाय आजमाए गए। वहीं 2 साल पहले चेन्नई में आई बाढ़ के दौरान प्रयोग तरीकों का भी उपयोग हुआ। चेन्नई में बाढ़ के चलते करीब 350 मौतें हुई थीं और 18,000 लोग विस्थापित हुए थे। तब लोगों ने एक दूसरे की मदद कर बड़ा मौजूदा हालात में मुंबई में सोशल मीडिया बड़ा सहारा बनकर सामने आया। लोगों ने इसके जरिए मदद मांगी और दूसरे नागरिकों ने आगे आकर उनकी सहायता की। हालांकि सवाल ये है कि देश की सबसे समृद्ध बॉम्बे महानगर पालिका आखिर क्या कर रही थी। लोग पूछ रहे हैं कि शहर डूबने के बाद तो उपाय किए गए, लेकिन जल निकासी के इंतजाम फेल क्यों हो गए। मुंबई की नगरीय व्यवस्था के लिए मुंबई महानगर पालिका का गठन किया गया था। इस कॉरपोरेशन के पास करीब 37,000 करोड़ का बजट है, जो देश के पूर्वोत्तर राज्यों के बजट से भी ज्यादा है। लेकिन बारिश का मौसम आते ही BMC के दावे थोते साबित हुए हैं।